कल होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत, दोपहर 12 बजे 35 किसान संगठनों के प्रमुख के साथ बैठक। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले कृषि मंत्री, सरकार सिर पर नहीं अड़ेगी, किसानों की कुछ सुझाव मान सकती है। कृषि मंत्री बोले कल किसानों से कानून पर पॉइंट टू पॉइंट बातचीत होगी, किसानों के साथ मिलकर आगे का रास्ता निकालेंगे। एमएसपी पर बोले कृषि मंत्री, किसानों को एमएसपी मिलती रहेगी, एमएसपी कानूनी नहीं, भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दिया आश्वासन, कहा मंडी चलती रहेगी, नए कृषि कानूनों से किसानों को एक और विकल्प दिया। कृषि मंत्री ने कहा नए कानून से आढ़तियों को भी नुकसान नहीं होगा, मंडी में इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। जमीन को लेकर किसानों की आशंकाओं पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी, जमीन को लेकर कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी। कृषि मंत्री ने कहा नए कानूनों से छोटे किसानों को बड़ा फायदा होगा, किसान कम जोखिम पर बड़ा मुनाफा कमाएगा। आंदोलन वापस नहीं लेने पर अड़े किसान, कहा हमारा संघर्ष और तेज होगा, कृषि कानून किसान की मौत का फरमान। किसानों का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, अब जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर देंगे। छोटी कमेटी बनाने पर बोले किसान नेता दर्शन पाल, सरकार हमें दरकाने और किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। किसानों की मोदी सरकार से मांग, संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानूनों को रद्द करे, सरकार संसद में लगातार झूठ बोल रही है। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई हाई लेवल मीटिंग, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल रहे मौजूद। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्वीट, कहा नए कृषि कानून किसान विरोधी नहीं बल्कि किसानों को और बल देते हैं। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा झूठ की लूट की सूट-बूट की सरकार, मित्रों की आय हुई चौगनी और किसानों की हुई होगी आधी। रणदीप सुरजेवाला ने कृषि मंत्री पर साधा निशाना, कहा विशेष कमेटी का जुमला देकर किसानों की आंखों में धूल झोंकी। सुरजेवाला का केंद्र सरकार से सवाल, पहले ही ये विशेष कमेटी क्यों नहीं बनाई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कुछ ताकतें किसानों को गुमराह कर रही हैं। चंडीगढ़ में कृषि कानूनों के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेड। खट्टर के आवास का घेराव कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। मनोहर लाल खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने वाले दो विधायकों का सुरजेवाला ने शुक्रिया अदा किया। पंजाब के सीएम के आरोप पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, इतनी गिरी राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं। पटना में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता। बेंगलुरु के वकील सिविल कोर्ट के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पहुंचे सिंगू बॉर्डर, कहा आंदोलन में बतौर नेता नहीं हो रहा हूं शामिल। किसानों के आंदोलन को देखते हुए जोरादा बॉर्डर किया गया सील, भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के किसान करेंगे दिल्ली कूच, 4 दिसंबर को अमरावती से निकलेंगे, उधर सरकार के राज्य मंत्री बच्चू कड्डू करेंगे नेतृत्व। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, हम उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, हम किसी का निवेश नहीं छीन रहे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई जैसा माहौल कोई नहीं दे सकता। शिवसेना ने योगी के मिशन बॉलीवुड का उड़ाया मजाक, बोले मुंबई फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं। सीएम योगी का एमएनएस ने किया विरोध, पोस्टर लगाकर लिखा मुंबई के उद्योगों को उत्तर प्रदेश ले जाने आया है ठग। योगी की मुहिम पर अखिलेश यादव का तंज, कहा प्रदेश में ढेले भर का भी निवेश नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा शिवसेना और कांग्रेस में बौखलाहट, नहीं रास आ रहा यूपी विकास। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, कहा अंडरवर्ल्ड के जरिए शिवसेना और एनसीपी बॉलीवुड पर बना रही है दबाव। मोहसिन रजा ने कहा मुंबई छोड़कर यूपी आना चाहते हैं बहुत से फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। मुंबई में यूपी इन्वेस्टर्स डिफेंस कॉरिडोर मीटिंग में भी शामिल हुए सीएम योगी। टाटा कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मिले सीएम योगी, उत्तर प्रदेश में निवेश पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा शिवसेना बाल ठाकरे वाली पार्टी नहीं रही। संजय राउत ने फडणवीस पर किया पलटवार, कहा शिवसेना को हिंदुत्व छोड़ने की बात कहने वाले तमाशा बंद करें, बेरोजगारी जीडीपी पर करें बात। बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन। सुशील मोदी के नॉमिनेशन पर बोले नीतीश कुमार, पार्टी के नेतृत्व में देश की करेंगे सेवा। ओमान के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की वर्चुअल मीटिंग, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बात। एनजीटी का आदेश, कोरोना काल में एनसीआर समेत सभी वायु प्रदूषित शहरों में पटाखों की खरीद बिक्री पर रहेगा बैन। एनजीटी ने पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। एनजीटी ने कहा जहां वायु गुणवत्ता ठीक है वहां क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी पटाखे जलाए जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर यूजीसी का बड़ा फैसला, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करिकुलम में पढ़ाने का निर्देश। भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर 7 और 8 जनवरी को होगा फैसला, लंदन की कोर्ट में हुई थी पेशी। दाऊद की एक और संपत्ति की नीलामी, रत्नागिरी के रविंद्र काटे का 1 करोड़ 10 लाख में खरीद। अभिनेता लेखक जीशान कादरी पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को 3 महीने बाद मिली जमानत, शौविक को एनसीबी ने 4 सितंबर को किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने टीबी और कुष्ठ रोगियों के लिए 30 दिसंबर तक शुरू किया डोर टू डोर अभियान।
मुंबई के कुर्ला ब्रिज पर अज्ञात हमलावर ने शख्स पर चाकू से किया हमला, घायल अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिना अनुमति जंगल सवारी करने वाले दो वन रक्षक गिरफ्तार, निजी एजेंट को भी पकड़ा गया। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट पर यूपी के आईजी सख्त, सोशल मीडिया सेल को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मानसिक रूप से बीमार 6 साल की लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या के मामले में पत्नी और बेटी समेत आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा, टायर फटने से सड़क किनारे खड़ी कार पर पलटा ट्रक, हादसे में 8 लोगों की मौत। गुजरात के खंबालिया में शर्मनाक घटना, युवक को निर्वस्त कर बाजार में घुमाया, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के रोहतास में शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग, डांस कार्यक्रम के दौरान मुखिया के समर्थकों ने की हवाई फायरिंग। हरियाणा योग परिषद की बैठक स्वामी रामदेव की उपस्थिति में संपन्न हुई, हरियाणा में योग शालाओं की संख्या 2000 की जाएगी। बेंगलुरु में सीसीबी ने एक और ड्रग रैकेट का किया खुलासा, 50 लाख की एलएसडी के साथ 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में डीआरडीओ लैब के सहायक वैज्ञानिक विनोद ने शुरू की पेड़ों को बचाने की मुहिम, पेड़ों से कीड़े पोस्टर और स्टिकर निकालते। असम के कोखराजार में पुलिस ने AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में बरामद किया गोला बारूद, मोथुगुरी गांव में छापेमारी के दौरान मिली कामयाबी। ओडिशा में 4 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, कई अपराधों में थी शामिल। तूफान बुरेवी के मद्देनजर पीएम मोदी ने केरल के सीएम विजयन से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मौसम विभाग ने 3 दिसंबर के लिए तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठान मथिता और अलापूजा में रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड को यातायात के लिए खोला गया, भारी बर्फबारी की वजह से हुआ था बंद। देश का कोरोना ग्राफ 95 लाख के करीब, एक दिन में 36,604 लोग पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना से 501 की मौत, अब तक 1,38,159 लोगों ने कोरोना से गवाई जान। देश में अब तक 14,24,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग, मंगलवार को करीब 11 लाख लोगों के सैंपल की जांच। ब्रिटेन ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी, अगले हफ्ते से आम लोगों का टीकाकरण। ब्रिटेन ने कहा 95% प्रभावी है कोरोना वैक्सीन, गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। कर्नाटक में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के 3rd चरण की शुरुआत, सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में किया उद्घाटन। कोलकाता में भी कोवैक्सीन के 3rd चरण का ट्रायल शुरू, गवर्नर जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। ममता सरकार में मंत्री फिराद हाकिम ने सबसे पहले लगवाया कोवैक्सीन का राज्य में पहला डोज। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 3,944 लोग संक्रमित, 82 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कहा कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7% से कम, आने वाले दिनों में 5% से कम होने की उम्मीद। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,930 नए केस, 95 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,799 केस, 29 लोगों की मौत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 166 नए केस, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,152। गुजरात के तापी में बीजेपी नेता कांतिबाई गामित ने तोड़े कोरोना गाइडलाइंस के नियम, पोती की सगाई में भारी भीड़ उमड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस, पूर्व एमएलए कांतिबाई गामित समेत 18 लोग गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना के 1,990 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 19 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब सरकार ने स्कूली वाहनों को दी बड़ी राहत, 21 दिसंबर तक नहीं देना होगा टैक्स। ओडिशा में एक दिन में 480 नए पॉजिटिव केस, 669 मरीजों ने दी महामारी को मात। ओडिशा में अब 1200 की बजाय 400 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 6,316 नए केस आए सामने, 28 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में आए 1,440 नए केस, 983 लोग रिकवर होकर घर लौटे। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर जनवरी फरवरी में आने की आशंका, एडवाइजरी कमेटी ने हर दिन 1,25,000 टेस्ट कराने की दी सलाह। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को बड़ी राहत, अमेरिकी अदालत ने H-1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार के 2 प्रस्ताव रोक दिए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी, अब तक 80,000 हेक्टेयर जलकर राख। यूके में पाकिस्तान की एक और चाल, चाइनीज कंपनी के साथ तैयार होगा करीब $1.5 बिलियन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तीसरे और आखिरी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर किया कब्जा। नीति आयोग के VC राजीव कुमार का बयान, अर्थव्यवस्था कोरोना के प्रभाव से बाहर निकल रही है, चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। अप्रैल से दिसंबर तक 59 लाख से ज्यादा लोगों के हुए टैक्स रिफंड, 1,40,000 करोड़ से ज्यादा हुए रिफंड। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे गिरा, $1 की कीमत 73.81 रुपए। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 37 और निफ्टी 4 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ।